सब लोग भाग रहे हैं, अपा जा रहे हैं। तो भाई घर दूंगा, स्नोफॉल स्टार्ट हो गया यहाँ पे, दिख रहा है आपको? अभी अभी सब मौसम बदल गए, जज्बात बदल गए, सब बदल गया भाई। अभी तो सब कुछ साफ था। तो आप लोग जो ये नजारा देख रहे हो ना, तो इसके लिए तो भाई आप लोगों को ना यहीं पे आना पड़ेगा। यहाँ तो भाई मेरे को लगा पलट की गाड़ी, ये मरवाएंगे हमें 12 लाचा पे। अरे हमें ना सबसे आगे रखनी चाहिए थी। स्नो कितनी तेज हो गई है, चलो 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 भाई, कब होंगे ये पहाड़ खत्म कर रहे हैं, खत्म हो जाए। बार बार लग रहा है कि अब ब्लैक आइस खत्म हो गई है और फिर आ जा रही है यार। तो चले आज कहाँ जाने का प्लान बना रहे हो? खारदुंगला चलते हैं आज। फिर आपको आज एक और लंबी राइड करनी है? लंबी का है, यहाँ से डेढ़ घंटा दिखा रहा है। वैसे देखो भाई, ये जो जगह है ना, इसको इसके लिए आपको अलग सा ट्रिप चाहिए। सही बात। इसको मतलब कवर करने के लिए, क्योंकि बहुत जगह है यहाँ पे। तो अपने पास तो ये आज एक वैसे दिन निकल गया था रुकने का, अदरवाइज हमने निकलना था वापस। तो आज थोड़ा बहुत ले घूमते हैं और खारदुंगला चले जाते हैं। तो फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं अब खारदुंगला के लिए, और यहाँ के लिए ना परमिशन लगती है। देखो हमें आइडिया नहीं था, वो तो ऑटो रनर बता दिया और उन्होंने ऑनलाइन हमारी परमिशन बना दी। यहाँ पे गाड़ी तो भाई इतनी गंदी हो रखी है ना कि पूछो ही मत। ये पूरी मार्केट एरिया चल रही है ले की, पर भाई इन्होंने एकदम सही बना रखा। देखो ट्रैफिक बहुत बढ़िया से मैनेज किया। देखो एक तरफ का छोड़ो, फिर दूसरी तरफ वही और का भी, ऐसा कहाँ है, कोई भी गुजरा है, उन्हें रोकना चाहिए ना एक तरफ। यहाँ पे एक ही बचा है ना पास, उधर से नहीं है पास की जगह। भाई ये गाड़ी चली नहीं रही है, क्या 5 मिनट पीछे गाड़ी लगी हुई है भाई। पहले गियर में खींच भाई, पहले गियर में लाया क्यों है यहाँ, कर लो अपनी तरफ कर लेते, इधर वो जगह। एक तो उस भाई साहब बंदे में उतर रहे हैं ना उसके भाई, अरे चलानी नहीं आती गाड़ी बंदे को यार, उठ क्या नहीं रहे, चढ़ाई में चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है बंदे को। अच्छा ये कल वहां से नहीं आया जहाँ से हम आए हैं? वहां तो ये खड़ी करके आया था गाड़ी। तो फिलहाल टाइम जो हो चुका है 2:07 रह गए भाई। भाई 2 बजे हमने ऊपर होना, यहाँ पे भी चेक पोस्ट है। तो चलो अब थोड़ी सही सी रोड मिल गई है, सब लोग भाग रहे हैं, अपा जा रहे हैं। ओ भाई वो उड़ता हुआ जा रहा था। ओ भाई ऐसे लग रहा है भाई, पता नहीं कहाँ आ गए हम लोग, नीचे पूरे बादल लगे हुए हैं, नीचे बीआरओ काम पे लगा हो भाई अपने। ओ भाई सामने देखो, तो ये रहा, प्लीज ड्राइव। ओ भाई इसकी हालत क्या हो रखी थी, ऐसे उन्होंने नीचे टेम्पो सही लगा रखा उन्होंने किसी को डराने के लिए। वेलकम टू खारदुंगला पास। अगर खाने पीने का भी है भाई, ये तो बसा हुआ है। हाँ सब कुछ है यहाँ भाई। तो भाई खारदुंगला स्नोफॉल स्टार्ट हो गई यहाँ पे, भाई ठंडा बहुत है यहाँ पे, हाथ ऐसे हो गए हैं, सिर्फ अभी 5 मिनट भी नहीं हुए हमें और इतनी ठंड है यहाँ पे। और ऐसा कुछ नज़ारा देखो भाई, कुछ अलग ही मौसम है यहाँ पे यार, कुछ अलग ही। बहुत ठंड है, बहुत ठंड। तो गाड़ी को इधर खड़ा करते हैं और अपना गाड़ी की फोटो लेते हैं। इंडियन फ्लैग भी दिख रहा है एंड खारदुंगला का बोर्ड भी दिख रहा है सामने।
तो सब निकल रहे हैं भाई, बहुत ठंडा हो गया यहाँ पे एकदम से, स्नोफॉल स्टार्ट हो गया एकदम से। और यार यहाँ पर ये जो खारदुंगला है ना, ये सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है जहाँ तक आप गाड़ी लेके जा सकते हो, और फर्स्ट जो है वो उमलिंगा है, तो वो अभी फर्स्ट है, पहले ये फर्स्ट था, बट अब वो आई थिंक 18,000 या 19,000 पे है, वो 19,000 पे ना, तो अभी बनी है रोड इसलिए वो फर्स्ट हो गया। अच्छा पहले तो यही होगा ना, पहले यही था। हाँ तो नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग उमलिंगा को छोड़ के जा रहे हैं, अगली बार वहां जाएंगे। थोड़ा सा यार मौसम लगता खराब ही हो गया ज्यादा, आगे तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, अगर मैं उधर देखूं तो दिख रहा है आपको? अभी अभी सब मौसम बदल गए, जज्बात बदल गए, सब बदल गया भाई। अभी तो सब कुछ साफ था, अभी तो इतनी धूप थी, देखो ना इसमें भी विजिबिलिटी कम हो गई है, बर्फ अलग गिर रही है। और भाई और देर हो गई स्नोफॉल, ये देखो भाई ये देखो। फिलहाल अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं पार्किंग, ताकि थोड़ा ना लेके मार्केट घूम ले, लेकिन यहाँ यार पार्किंग की है ही नहीं कुछ, हर जगह क्या है ना पुलिस वाले खड़े हुए हैं, और ऐसे लग रहा है कहीं चलान ना करते, कहीं गलत घुसते, क्योंकि भाई लॉ तो बहुत स्ट्रिक्ट बना रखा है भाई यहाँ पे, कोई भी ऐसी वैसी आप गाड़ी जगह नहीं खड़ी कर सकते। चलो भाई फिर चले ले, कभी और जब कभी बाइक में आएंगे ना तब घूमेंगे ले। और आज हमारा वापसी का दिन स्टार्ट है, यहाँ से सरचू क्रॉस करना है 2 से 4 बजे से पहले, तो भाई अपन तो पहुंच गए ऑफ रोडिंग की जगह पे, यहाँ ये तो पूरी रोड ही गई, काम चल रहा है क्या चल रहा है वहां, तो रोड है पूरी। तो भाई हम लोग पहुंच गए उपसी, और यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक ऊपर जाता है पैंगोंग के लिए और ये रास्ता है मनाली के लिए, तो हमने मनाली वाला रास्ता ले लिया। यहाँ पे भी एक चेक पोस्ट है, तो यहाँ पे भी आपकी एंट्री होगी। तो यहाँ के पहाड़ देखो कैसे है, ये कटिंग कैसे हो रखी है इनमें, क्या गाड़ी है, किसी रोड पे हम कह सकते थे ना गाड़ी बस कह सके। सब खाली ट्रक है, जो कि सब अपना माल ले में रख के आ चुके हैं, अब वापस आ रहे हैं भाई। तो आ तो गया भाई सिचुएशन, दोनों तरफ भाई ट्रक है और तरफ सिंगल उद्योग गाड़ी बसी हुई है, पर यहाँ कौन पार करेगा, पास भी नहीं कर सकते हैं। ओ बेटे गाड़ी गाड़ी तो हो जाएगी, ट्रक के साथ कैसे होगा, खड़ जाओ भाई अपने अपनी लाइन में। तो भाई वही हो गया जो लग रहा था, आगे लगता आमने सामने गाड़ियां फंस गई है, तो देखो बंदे भी उतर के आए देखने के लिए। यहाँ पे थोड़ी सी है जगह, लेकिन जहाँ पे शायद मैं देख रहा था ना, जहाँ पे गाड़ी और ट्रक आमने सामने थे वहां पे जगह नहीं है। अच्छा हुआ है फॉर्च्यूनर फंसी हुई है, जीसीबी लगी हुई है यहाँ पे। अच्छा इसने रोका हुआ है भाई, बर्फ काट रही है ऊपर से और ना जाए, अब आएगी तो क्या कर सकते है, ये डबल रोड बन रही है ना अब, ये यहाँ कट जाएगा ना पूरा ये हिस्सा। वो भाई ऊपर देखो बहुत सारे ट्रक के ट्रक चल रहे हैं, तो लगा सुबह सुबह ना ट्रक स्टार्ट हो गए चलने, ये इनसे आगे निकलना पड़ेगा, निकलना तो पड़ेगा, तो हम तो हमारा सारा टाइम खा दिया इन्होंने, जो हमने स्पीड जो खींची थी ना सब ये रोक दी इन्होंने। तो फिलहाल हम लोग पहुंच गए अभी टांगलांगला, और एल्टीट्यूड है यहाँ पे 17,482 ये है पास। और यार अगर मैं अपना रोड का एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो बहुत सही रोड है, बहुत सही, क्योंकि हम लोगों ने 100 किलोमीटर से ऊपर का तो मतलब कंप्लीट कर ही लिया है रास्ता, बट कुछ एक मतलब है जगह जहाँ पे थोड़ी रोड खराब है, अदरवाइज रोड जो है एकदम सही है, डबल डबल वे है, गाड़ी आपकी 50-60 तो नॉर्मल है, भागेगी भागेगी, बाकी वो आप पे डिपेंड है आप कितना भगा सकते हो गाड़ी।
तो आप लोग जो ये नज़ारा देख रहे हो ना, तो इसके लिए तो भाई आप लोगों को ना यहीं पे आना पड़ेगा। आप वीडियो में भी आप इतना मतलब इसका मजा नहीं उठा सकते जो आप खुद आओ अपनी आंखों से देखो इस जगह को। देखो यार क्या यूनिक जगह है यार ये, तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप एक बार जरूर आओ यार यहाँ पे, इस ब्यूटी का मजा लेने आपको खुद आना पड़ेगा, पर्सनली आना पड़ेगा अपनी आंखों के साथ और अपने पैरों के साथ। अभी आपने पहले रोड देखी होगी पांग तक, तो पांग से 5 किलोमीटर तक था आपको लेह से लेकर वहां तक, एकदम बढ़िया रोड है भाई, 100 की स्पीड आप मस्त भगा सकते हो उसमें। शमशेर ब्रिज में आ गए भाई हम, भाई इसकी हालत क्या हो रखी है, खट्टे खुटे पड़े हैं, ट्रक भी आएंगे इसी में, क्या साउंड आ रहा है टमाटप, यहाँ देखो क्या उखड़ा पड़ा ब्रिज है भाई, ये तो वो रोड बन रही है नहीं, तो उस पर तो नहीं जाना था हमने, नहीं गूगल मैप तो नहीं बना रहा भाई। तो दोनों भाई बहुत समय बाद मिले हैं, गले मिल रहे हैं, चलो भैया बाद में मिल लेना आप लोग, थोड़ा पीछे ट्रैफिक जो आ रहा है उनको जाने का मौका तो दो। आए आए। शॉर्टकट नहीं आ गई ये है ना, यहाँ से घर चलेगा, उसी को मुड़ने दो, उसको बड़ा मोड़ चाहिए, मुड़ेगा ना यहाँ से जाएगा, यहाँ से चौड़ा है भाई, दो वोल्वो आ रही है और ये वोल्वो तो यहीं जा सकती है, वो पदुमाले से वहां तक नहीं चल जाएगी रूट में। देखो भाई इतना सारा गया, अरे घुमा ले, अरे उसको शोकर नीचे लगने डर है ना, आर्मी ड्यूटी ले जाएगा कैसे, अच्छा आर्मी वाला ही है भाई, सब आर्मी वाले ही है वो ड्राइवर, राजस्थान से आई है वो, ले वो शॉर्टकट लेके आ गया, वो आ गया शॉर्टकट लेकर, बस पत्थर आ रहा है को भाई साहब, क्या है वो पत्थर गिरा एक, ऐसे थोड़ 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 गिर रहे हैं, चलो थोड़ा गीला एरिया ना ये, छोड़ रहे मिट्टी छोड़ रहे अपनी, अब आ गया भाई एकदम गंदा वाला ट्रैक, गंदे वाला बोलूंगा ऐसे ऐसे से, ट्रकों ने देखो जी अपने रास्ता बना लिया है, यहाँ पे तो लहराएगी भाई, बहुत गिली है, उसने लगा दिया अपना हनुमान गियर, भाई चेन है क्या, नहीं 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 शेफर्ड लेके है, सो यार इतनी गाड़ी हिल रही है यहाँ पे भाई, इसके तो टायर गायब हो गया, अब पता नहीं इसके साथ क्या हुआ बेचारे के साथ भाई। सरचू का जो रास्ता है ना पांग से, बहुत गंदा रास्ता है यार, बहुत गंदा, कई कई जगह तो बहुत ही बुरा हाल है। तो फिलहाल अभी हम लोग आ गए लाचुंगला पे, 16,616 फीट पे है ये लाचुंगला, भाई साहब भाई की हिम्मत देखो यार, साइकिल में चल रहा है भाई, वो इसको ले जाना है और वो लेके ले जा रहा है, और आगे रास्ता कैसा है यार, हैट्स ऑफ है भाई इस बंदे को। सीधा भाई अपना शॉर्टकट ले लिया, वहां नहीं तो इतनी दूर जाना था, ट्रक आ रहा है यहीं चढ़ गए, क्या चढ़ जाओ किसी से भी आराम से कहीं आगे कुछ, भाई इतना रास्ता अपन है देखो, ये नहीं आ रहा, सारी गाड़ियां पिछाड़ दी यहाँ पहुंच गए भाई, ओ भाई बहुत लंबा शॉर्टकट लिया, ये देखो यार फुल लोडेड ट्रक गिरा है, हाल फिलहाल में गिरा है, मतलब ऐसा नहीं कि कई जगह पुराने भी गिरा है ना, देखो उसका शीशा टूट रखा है, कोई कोई बर्फ नहीं दबा हो यहाँ देखेगा, हीरा 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 उसका सामान भी गिरा, यार यहाँ पता नहीं क्या चीज है, जो भी गाड़ी गिर रही है ना यार कहीं खड़ रही है, बंदर का टायर ले जा रहे हैं,
से घाटा लूप। ये है घाटा लूप, देखो कैसे है, फेमस घाटा लूप। हाय हाय, बंदा हाय कर रहा है हमें। एंड वाला पैच खतरनाक है भाई, सीधा है। ये तो ले तो लिया, यहाँ पे लकड़ी ले ली है। यार आप ना यहाँ तो भाई ने मेरे को लगा पलट की गाड़ी, स्लिप तो हो गया था, फटी था आपकी भी। वहां पे एक टायर हवा में था भाई, मतलब यार मैं समझा पलट की कस्टम से, जब वो टायर स्लिप हुआ ना मैंने कहा भाई पलट की गाड़ी। ओ यही तो गाड़ा लूज के मजे। तो चलो भाई केलांग ले हाईवे पे आ गए हैं और सरचू आने वाला है बस। और ये है ब्रांडी ब्रिज, ले 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 ले, पीछे विस्की आगे ब्रांडी, तो ग्लास ब्रिज का है। क्या सीन है आगे पे, मजेदार यार। ये देखो ना, ये है सरचू आ गया, वही लग रहा है। अच्छा हाँ, वहाँ गाड़ी भी खड़ी है। साहब सामने जाम देखो, दो तो बज गए भाई साहब। हमने कहा निकलना, वो उस तरफ है क्या, हमने उधर जाना है, उधर जाना घूम के यार। ओहो तभी नहीं आ रही गाड़ियां। ले बहुत भयंकर जाम लगा है, तो भाई इतना तगड़ा जाम लगा है। तो यार हम लोग को हो गया है 1 घंटा 40 मिनट, लेकिन अभी तक ट्रैफिक खुलने का कोई नामो निशान नहीं है और कोई अपडेट भी नहीं आ रही है। पता नहीं यार खुलेगा भी नहीं खुलेगा, पता नहीं यार भाई। जो भी है यार, ये ले का जो रूट है ना, बड़ा ही खतरनाक रूट है। क्योंकि इसमें क्या है ना, आप लोग ना अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग नहीं कर सकते, आपको नेचर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब कल वहाँ बर्फ गिरी है, क्या कह सकते हैं। देखो भाई जाम का पूरा इंतजाम किया गया है, यहाँ पे चिल्ड बियर रखी गई है, यहाँ पे जाम में फंसो और मस्त बियर पियो। तो फिलहाल यार हम लोगों को ना छोड़ तो दिया है और कुछ भी क्लियर नहीं किया कि जाओ रुको। अब टैक्सी वाले हैं वो जा रहे हैं, हम तो उनके साथ साथ निकल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा निकलो निकलो। पर यार यहाँ पे पुलिस ने मतलब कुछ भी कन्फर्म नहीं किया कि नहीं जाना जाना है, उन्होंने बैरिकेड भी नीचे कर दिया जाओ। हाँ उन्होंने मतलब कुछ बोला ही नहीं, मतलब भाई सबके सब आ गए। अब तो देखो क्या कन्वे चल रहा है, आगे अलग चल रहा है, पीछे अलग चल रहा है, अब सब लोग आ गए। अब भगवान जाने भाई क्या होगा। देखो भाई बंदों का भी खुंदक और बंदे भागने लग गए साइड से, क्योंकि यहाँ जाने नहीं दे रहे। अब भाई को भेजा मैंने आगे, मैंने कहा आप जाके देख क्या हो यार, बहुत ठंडा है भाई, बहुत ठंडा। नेटवर्क नहीं है यहाँ पे यार, रुकने के लिए कुछ नहीं है, टेंट इतने महंगे हो रखे हैं, बहुत पंगा चल रहा है इनका इधर। चलो शायद छोड़ दिया, शायद बंदे अपनी जिद करके अब निकल रहे हैं भाई। छोड़ दिया है लोग तो लग गए। चलो चलो चलो, देखो भाई शोर देखो, तो भैया यूनियन बनके जो चलेंगे तभी होगा। तो फिलहाल तो हम लोग निकल गए यहाँ से रिस्क लेके, पुलिस वालों ने सबकी वीडियो बना दी, हमारी भी बना दी वीडियो कि चलो जा रहे हैं, मतलब अपने के अपने उसमें जा रहे हैं। तो भाई निकल रहे हैं, अब देखी जाएगी आगे क्या होता है। अभी रोड बंद है, अच्छा पुल वो क्या वहाँ से वापस कौन वो गाड़ी वापस क्या हो रही है, ये छोटी गाड़ी के साथ एक दिक्कत है, वो वहीं पे फंस गई। चलो भाई पहली गाड़ी में तो वहाँ दम तोड़ा, अर्टिगा फंस गई है। अपने को ना इन सब गाड़ी से आगे भागने का भाई, और आज अपनी एंडेवर की ना अग्नि परीक्षा है। तो भाई देखो यहाँ पे बर्फ तो है, बट देखो रोड के ऊपर नहीं है यार बिल्कुल भी,
अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है फिलहाल। वो 8 किलोमीटर का ही पैच है जहाँ पे होगा अगर, क्योंकि वहाँ वन वे है। लाइटें साफ नहीं दिख रही हैं ना तो भाई, आगे दिख रहा है बर्फ गिर तो रही है, आगे लग रहा है कि बर्फ गिर रही। ये देखो भाई ऑल्टो, यहाँ पे लोड ऑल्टो, यहाँ पे सब लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां होने के बाद सोचना पड़ रहा था। देखो भाई इस गाड़ी की तो बात ही अलग है, और उसने लैड में जला रखी, और कमाल की बात है उसकी तो। यहाँ पे है चढ़ जाएगी अट्टिका के लगे भाई, साइड से निकाल रहे हैं। अबे क्या कर रहा है, इधर कम इधर अपने अपने इधर अभी नहीं होगा। जम गया भाई अपना ये वाइपर तो। भाई साहब स्नो स्टार्ट हो गई है, चलिए ऊपर ही गाड़ियाँ, थोड़ा गैप रखो यार। ऊपर क्या ना एक दो वैसी गाड़ी चली गई है, ये है आइस, ये गिरी हुई है फ्रेश। मुझे साला एवलांच टाइप में आ रखे हैं, और कुछ दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे अपने टायरों की हवा कम कर रहा है, ये भैया कुछ एक ट्रक फंसे हुए। देखो ये कह रहा ऊपर एकदम फ्रेश स्नो पड़ी हुई है, और वो हवा के साथ उड़ के नीचे आ रही है। भाई ये गाड़ियाँ ये मरवाएंगे हमें 12 लाचा पे। अरे हमें ना सबसे आगे रखनी चाहिए थी, अरे पहले हमसे भाग गए थे ना भाई। ब्लैक आइस बन गई है, वो देखो गाड़ी उठी नहीं रही। वो तो भाई ये है 12 लाचा, पर हमारी किस्मत ऐसी है यार, यहाँ पे तो हमें भागना पड़ रहा है। पर चलो पहुँच गए हैं, और देखो स्नो कितनी तेज हो गई है, चलो चलो चलो। और ब्लैक आइस भी जमने लग गई है भाई, इसमें तो नहीं दिख दिख रही है, दिख रही है दिख रही है भाई, स्नो बहुत तेज हो गया भाई, पूरी बर्फ जम गया तो। और यहाँ पे पड़ रही है ऐसी रात भी तो हो गई, साला दिन से खोला नहीं। बस ये है कि डिस्टेंस बना के रखो, आराम से उतरो। देखो भाई चलाकी मत करो कोई, जैसे वो ऑल्टो था चलो उस टाइम पे तो ठीक है, वो ऊपर चला गया जगह थी। ओ भैंस की यार, ये क्या कांड कर दिया उन्होंने, बंद करो। मैं देखो उतर के, इधर देखो नहीं जाएगी तो। अरे हाई बीम क्यों कर रखे हो, ज्यादा नहीं चला, 2-3 ही है। अरे 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 भैंस क्या हुआ, क्या पूछ रहे थे, पता नहीं भाई। ये है भाई खराब, भाई सामने से गाड़ी है। ओ देखो ये ज्यादा वर्क है यहाँ पे, आराम से भाई, यहाँ तो पूरी दलदल बनी हुई है। इसको भी भाई भी मार दो, सामने से गाड़ी भी भाई साहब, सामने से गाड़ी आ गई है, लग रहा है कि बच गए हैं हम। फिर आ गई यार पर लायक आज इसने बच रही भाई, नहीं 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 सामने से आ रही है गाड़ी, नहीं 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 ब्लैक आइज बार बार आ रही है भाई। कब होंगे ये पहाड़ खत्म, खत्म कर रहे हैं, खत्म हो जाए। बार बार लग रहा है कि अब ब्लैक आइज खत्म हो गई है, पर फिर आ जा रही है यार। नीचे से गाड़ी आ गई भैया, पूरा फंसा दिया, पूरा फंसा दिया गाड़ी। किसने, ऊपर वाला गाड़ी ने रुका नहीं, अभी पूरा ये चारे में पूरा फंसा दिया, अभी 2-3 गाड़ी में फंस गया। अरे रात पर रह गया अभी, अच्छा मोड़ रहा भाई, वो वापिस जा रहा है वापिस, नहीं है सही किया उसने। तो भाई कुछ गाड़ियां तो यहाँ बैक ही होने लग गई, छोटी गाड़ियां यार ऊपर जाकर फायदा नहीं है, फंस जाएंगी। सही है बैक करा लो। और उधर भी देखो नीचे से भी ट्रैफिक छोड़ दिया ना उन्होंने, पता नहीं क्यों छोड़ा है, सबको फंसा दिया अब।
और हम लोग रह गए हमारे आगे का तकरीबन सारा ट्रैफिक चला गया। ये स्नो तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और भाई चलो किसी तरह से यहाँ तक तो पहुँच गए। अब रोड जो है दो दिख रही है पर स्नो भी उतनी ही तेज हो गई है। तो भाई स्नो बहुत तेज हो गई है भाई, फंसे पड़े थे ऊपर और फाइनली यार ऊपर से निकल गए यार। तो गाइस चलो फाइनली दारचा के ब्रिज में पहुंच गए हैं। इसी ब्रिज से शुरुआत की थी सफर की और वहीं पहुंच गए फाइनली, ठीक ठाक पहुंच गए। तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना गाइस। अपनी गाड़ी की हालत देख लो यार, क्या बन गई है कल। अब ये घर जाके धुलेगी लेकिन ठंडा बहुत है और अपन लेट भी हो गए काफ़ी, तो 9:15 हो गए हैं। अपने को निकलना था 8:30 तक क्योंकि अब ट्रैफिक हो जाएगा अटल टनल में, इतनी भीड़ और लगी हुई जाने के लिए। आज तो जाने नहीं देंगे लगता। तो आप लोग सामने का नज़ारा देख रहे हो, कितना मौसम खराब हो रखा है भाई और यहाँ बारिश भी स्टार्ट हो गई है। आई बैग्स आ गएगी। ओ भाई कितने सारे हो भाई, जहाँ तक नजर जा रही है। तो ये रहा भाई अटल टनल नॉर्थ पोर्टल। भाई टेम्पो ट्रैवलर ने ठोक दिया ट्रक, ओ बेटे चिब्बा हो गया था पूरा। चलो भाई नुकसान हो गया। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। यस वो तो बनता है, देखो सब्सक्राइब करना करें, सब्सक्राइब करें। इसके हाथ है और अपनी तो अंडे भरी है भाई, तो कहीं भी वो पहुंचा देती है। तो जी फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मोहाली और बस यहाँ से अब घर का रास्ता थोड़ा ही रह गया है। तो गाइस हम लोग तो घर पहुंच गए थे अपना। इसी के साथ हमारी जो लेह लद्दाख की सीरीज थी वो खत्म हो गई है। तो अब आपसे हम लोग अगली सीरीज मिलेंगे जल्दी, अगला प्लान बनाते हैं कहाँ जा रहा है, सोच विचार करते हैं कि कहाँ जा रहा है अगला। और थैंक यू यार इस सीरीज में, मतलब आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, कुछ नए सब्सक्राइबर भी जुड़े हैं, तो सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और इसी तरह आप सपोर्ट बनाए रखें, हम नए नई सीरीज लेके आते रहेंगे। तो चलो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं आपको अगली सीरीज में। बाय बाय गाइस।